खबर यूपी के बलिया से है, जहां यूपी विधानसभा चुनाव के बिगुल बजने से पहले ही प्रत्याशियों की दावेदारी जोर शोर से चल रही है। जहां दावेदारी करने वाले बीजेपी का फेफड़ा विधानसभा से अवलेश सिंह है। अवलेश सिंह ने कहा कि हमारी प्रखंड बहुमत के साथ सरकार दोबारा बनने जा रही है, दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। हम लोगों का विकास मुद्दा है, इस सड़कों को बनाना, अस्पतालों में डॉक्टरों की मौजूदगी, बिजली 24 घंटे रहे, जैसे इन मुद्दों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो पूछना ही नहीं, आसपास के सड़कें सभी ठीक होंगे और विकास होंगे। मैं तो जनता के लिए समर्पित हूँ। उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल में दवाओं की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, 24 घंटे एक फोन पर ऑनलाइन सुविधाएं मिलने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने पोल जर्जर हैं, तार जर्जर है, 14 घंटे लाइन रह जा रही है तो तार गल जा रहे हैं। बिजली की कोई कमी नहीं है, हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों को बिजली दे रही है। हमारे विधानसभा में 40 ऐसे गांव हैं, सगरपाली, गंघरा, थमनपुरा, बिगझी, कोट अजरपुर, इंदरपुर, कोट वन नारायणपुर तक कच्चे मकान गिर गए। योगी आदित्यनाथ की तरफ से पक्के मकान उपलब्ध की व्यवस्था है। आम पब्लिक को शुद्ध पानी देने के सरकार ने व्यवस्था कर दिया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन मुहैया कराई जा रही है, मकान की सुविधाएं दी जा रही है, सड़कों का मरम्मत किया जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि कोटवा नारायणपुर से बैरैया तक रिंग बांध बनाया जाए, जिसके कारण 40 से 50 गांव बचाए जा सके। एक पर्चे बताएं सर। अवलेश कुमार सिंह, भाजपा नेता, 360 बलिया जी। अवलेश जी, क्या मुद्दे हैं आपके, और 2022 का चुनाव जो जैसे नजदीक आ रहा है, क्या लगता है कि अगर बीजेपी आपको टिकट दे रही है, उम्मीदवार बनाती है, तो आपका क्या मुद्दा होगा और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की दोबारा पुनः सरकार बनने जा रही है प्रचंड बहुमत के साथ। माननीय आदित्यनाथ योगी जी दोबारा सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे, और सबसे बड़ा हमारा मुद्दा होगा विकास। विकास में इस क्षेत्र की सड़कों का बनाना और बिजली 24 घंटा और अस्पतालों में डॉक्टर जो है आपको 24 आवर्स उपलब्ध रहे, ये सभी भी विकास के मुद्दे पे मैं काम कर रहा हूँ। और माननीय आदित्यनाथ योगी जी का सरकार पुनः दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ बनाना है, और मुझे अगर पार्टी प्रतिनिधित्व करने का समझती है, अधिकार देती है, तो अब उसमें कुछ पूछना ही नहीं है। जितनी आसपास की सड़कें हैं, जितना विकास का काम है, हम तो 24 घंटा जनता के लिए समर्पित हैं। यही काम ही मेरे पास उद्देश्य ही है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, यह पूरी तरह चरमरा गई हैं, दवाएं नहीं हैं हॉस्पिटलों में, डॉक्टर का अभाव है। क्या मानते हैं कि इससे स्वास्थ्य विभाग चल पाएगा जब हर चीज़ की कमी हो? देखिए, ऐसा कोई भी कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में, माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में, सभी हॉस्पिटलों में दवाएं उपलब्ध हैं, और साथ साथ में पैसे की, धन की कोई कमी नहीं है। 40 साल 50 साल दूसरे का शासन काल चला है, अभी 4.5 साल ही बितरा है, गुजरा हुआ, तो आप इसको देखें ना। अभी दोबारा सरकार बनने दीजिए, 24 घंटा एक टेलीफोन पे ऑनलाइन सुविधाएं आपको मिलने जा रही हैं, और मिल रही हैं, और मिलती रहेंगी। जो बिजली की समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, 18 घंटे सरकार कागजों में दावा कर रही है, लेकिन 18 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, यह क्या कमी है कि जिसके वजह से 18 घंटा ग्रामीणों को बिजली नहीं मिलना? क्षेत्र की जो बिजली के जो पोल है, बिजली के पोल जर्जर हो गए हैं, वायर जो है जर्जर हो गए हैं, जिनके कारण जो है लोड 18 घंटा 16 घंटा जैसे लाइट रहती है तब तक तार गल जाता है। अब गलने के बाद उसकी मरम्मत होती है, वायर चेंजिंग का काम हो रहा है। इस विषय पे अभी जब चेंज हो जाएगा तो 18 घंटा नहीं 24 घंटा, अभी तो 18 घंटा रह रही है, अब बीच में गल जाएगा तो 4-6 घंटे का गैप हो जाएगा, आदमी आएगा सही करेगा। तो 24 घंटा बिजली की कोई कमी नहीं है प्रदेश में। बिजली का इतना प्रोडक्ट हो रहा है कि हमारा प्रदेश जो है दूसरे प्रदेशों को बिजली जो है दे रहा है, सप्लाई दे रहा है, और उसको लोग खरीद रहे हैं। आपके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में देखा जा रहा है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं, इन कितने लोगों का इसमें आवास गिर गया, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे अगर आप चुनाव में मैदान में आते हैं, आपकी विजय होती है तो? हमारे विधानसभा में कम से कम 40 गांव ऐसे हैं, सागरपाली, गंगहरा, बघेजी, थमनपुरा, इंदरपुर, कोट अजरपुर और मझरिया होते हुए कोटवा नारायणपुर तक तमाम लोगों का, आम पब्लिक का मकान, कच्चे मकान गिर गए हैं, जिनके लिए मेरी सरकार की तरफ से, आदित्यनाथ योगी जी की तरफ से, सबको पक्का मकान उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, और पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा, और सबको सुविधाएं इस क्षेत्र में दी जा रही हैं।